आ, uh, एक टेस्ट को uh, एक बहुत ही मजाक का आया था उस टाइम देर इज़ ए कंपनी विच कम्स एंड टेल दट मैं हंड्रेड रुपीज़ में आपको टेस्ट करवाऊंगा टाटा टाटा टेल्स uh, वन वा, एम जी ऐप थ्रू बोलते हैं दैट आई कैन डू दिस टेस्ट दैट हंड्रेड रुपीज़ एक्चुअली वो टेस्ट बनने के लिए ना मतलब करने के लिए कॉस्ट होती है वन ट्वेंटी रुपीज़ ओके ये कोई कॉम्पिटिटर आके बोलता है मैं हंड्रेड रुपीज़ में दूँगा इट वॉज मैथमेटिकली समझ में नहीं आ रहा था hmm. सो so, वो बहुत ही रिस्की बेट हो गया उसके वजह से बहुत सारा डायग्नोस्टिक कंपनीज बैट थ्रू आ गया कि तो उनका एक पिक भी बन गया था बिकॉज ऑफ द कोविड तो उसके वजह से दे आल्सो हैड अनदर बैट टर्न वेलकम बैक टू अनदर फेस टू फेस दोस्तों कल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कौशिक के साथ आपको और मैंने बताया था कि कैसे इनका बैकग्राउंड इतना रिच है कि इतनी अर्ली एज के अंदर में भी ही हैज़ बीन एबल टू मार्क अ रेपुटेशन फॉर हिमसेल्फ एज समन हुडरस्टैंड्स द रेड फ्लैग्स इन एनी स्टॉक वाइट वेल तो आज हम लोग बहुत डीप जाएंगे और बहुत डीप 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 <laughs> क्योंकि स्टॉक्स में एक्चुअली में कन्वेक्शन बनाने के लिए डीप तो जाना yes. ही पड़ता है Yes. और जितना डीप जाते हैं सी में उतना दिखता है कि अरे यहाँ पर तो अलग अलग किस्म और एक पॉइंट ये भी आएगा बहुत डीप जाएंगे तो हम को जाएंगे को भी so जाएंगे go, लाबली, लाबली। <laughs> तो डिस्कशन चालू करते हैं प्रेजेंटेशन है हमारे लर्निंग ऑडियंस भी यहाँ पर आ गई है और मैं भी लर्नर रेडी हूँ चालू करते हैं सो sure. so, आज विल बी टॉकिंग अबाउट नंबर्स के साथ कैसे के खेल सकते हैं सो नंबर्स ऐसे सोचो सर लाइक एनी नंबर एक जगह पे पहुंचने के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा जर्नी करना पड़ता है राइट right. तो हमको वो जर्नी समझ में आ गया तो वो नंबर कैसे नेचर है उसका नेचर उसका बिहेवियर और उसका पूरा लाइफ स्टोरी समझ में आता है hmm. तो आज का मेरा आई बी ट्राइंग लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विच नंबर प्लेस इन वॉट एक्ट ओके तो दैट्स वॉट माई प्रजेंटेशन ऑज अबाउट ये और एक दो तीन क्लेम मैं इधर ही करना चाहता हूँ फाइंडिंग रेड फ्लैग का मतलब फ्रॉड नहीं होता है ओके okay.

थ ईयर में आ रहा हूँ तो ऑडिटर का सैलरीज ग्रोइंग एट सेवन परसेंटेज राइट सडनली उसको फाइव ईयर्स का टर्म पे इफ द कंपनी लाइक्स एंड उसको रीअपॉइंट करना चाहता है तो वो ज्यादा पैसा दिया उस टाइम राइट एंड उसके ऊपर से सेवन परसेंट स्टार्ट होगी रिलेशन विज एस एंड एवरी तो वो वो ऑडिटर एज ए परसेंटेज ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है इन दट वन और टू इयर्स दिल्स बनाओ माइडन फीस एजेंटेज ऑफ द सेल्स नो ऑडिटर्स

माई सेकेंड क्लेम इज ऑन अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स एंड सेविंग अनकॉमन लॉसेस ओके ऐसे सोचो एक बहुत ही कॉमन है वो मिस्टेक बट हम uh, जिस स्टोरी पे बिलीव करके ना हम इन्वेस्ट कर देते हैं विल बी लाइक गोइंग विद द स्टोरी बिकॉज स्टोरी समझ में आता है ना नंबर्स नहीं समझ में आता है तो लोग स्टोरी लो, के बिहेंड बागते हैं एंड mm -hmm. uh, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके प्रॉब्लिटीज़ पर जीते बट mm -hmm. uh, वो प्रॉबलिटीज को आप सेफ गार्ड कर सकते हो एक

तो दिस इज होल थिंग ऑन सर्वाइवल बायस पे होता है द फिटेस्ट ऑफ द फिट सर्वाइव्स विध रिस्पेक्ट टू एनी नंबर ऑफ फॉर इवन फॉर गेटिंग द बेस्ट सेल्स नंबर ऑन इस पी एंड एल ओके द फिटेस्ट ऑफ द फिट गेट्स द बेस्ट सेल्स नंबर ओके एंड उसका भी फिट ऑफ द फिट को मार्जिन अच्छा मिलता है सो यू शुड बी द किंग टू बी द मार्केट लीडर तो लॉर्ड ऑफ थिंग ये इस प्रोसेस पे ना आप लार्जली वेल नो नेम्स पे पहुंच जाते हो वो भी एक बायस uh, है सो यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कंपनी सिंगल वाइज ऑल्सो वंस यू हैव दिस इट इन टेबलोज वंस अगेन यू कॉन्ट डिग डी पर तो आप कंपनी पकड़ के फिर ऊपर जाते हैं और उसके पीयर को देखते हैं कि सेक्टर पकड़ के फिर नीचे जाते हैं कंपनी so, सो दोनों चलता है इंडस्ट्री में फॉर okay. एग्जाम्पल मैं, मैं इन्वेस्टिंग करने का समय पर आई लाव टू सी फर्स्ट सेक्टर सेक्टर से पहले गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट इज द सोल प्रोपराइटर वो डिसाइड yeah. करेगा क्या करेगा तो फर्स्ट गवर्नमेंट देन कम्स द इकोनॉमी एंड देन कम्स द सेक्टर एंड देन कम्स द माय कंपनी और लाइक भी नहीं हो सकते कंपनीज़ भी हो सकता है तो यू कैन गो ए प्लोटफुल अप्रोच और यू कैन गो सिंगल कंपनी अप्रोच तो देर विल पॉइंट ऑफ टाइम्स आपको बॉटम अप से जाना पड़ेगा सो एट दट टाइम आई लुक एट ए कंपनी ये भी होता है हिस्ट्री में नंबर्स बहुत बढ़िया दिया है उसका मतलब फ्यूचर में दिएगा नहीं hmm. वो एक मिस मिस स्टेटमेंट है hmm. तो एवरी टाइम किंग विल नेवर बी तो वो बहुत कुछ हिस्ट्री में हम देख चुके हैं सो इट एवरी टाइम इट प्लेस विद द फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट पर्सन को ट्रांसफर होता है सो यू शुड बी वेरी क्लियर वॉट इज दैट फिट पर्सन एंड उस पर बेट करना पड़ता है

पूरा एशियन पेंट ले लो बजर पेंट्स ले लो और सारा पेंटिंग कंपनीज को ले हाँ, लो हाँ। उसका कितना कितना है ना मतलब इन्वेस्टेड हिस्टोरिकली दस साल बीस साल पंद्रह साल कितना भी सालों ने दो उनका पूरा कितना इन्वेस्टमेंट किया है ना उसका ना थ्री एक्स इन्वेस्टमेंट दो कंपनी ने किया हाँ। तो अभी बात करें ले 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 ले, आ, नया है तो वो दो कंपनी इतना कर दिया है वो लोग सोच भी नहीं सकते उतना करने के लिए और उनके पास उतना कैश है भी नहीं

पेंट तो सेक्टर पे हाँ तो आ, यही से... कंपनी और अच्छा करेगा तब तो मैं स्टे करूंगा, करूंगा। अच्छा। बट नहीं लगता है तो मैं अगेन ऑन वाइज आल्सो इट्स वेरी डिफरेंट तो एकदम एक डिसीजन एक नहीं ले सकते मतलब एकदम सेल दबा दो नहीं मेरा सेल हो गया सो सेलिंग अप्रोच ओके तो हर पॉइंट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन पे मैं सेल करना चालू करता हूँ ओके रिजल्ट्स खराब दिखना चालू हुआ तो मैं भी सेलिंग करना चालू किया अच्छा। तो हीरो को पैसा डालते रहूंगा जीरो को पैसा उठाते रहूंगा और कब तक वो अगेन दिस इज सेम तो कोई भी अच्छा करेगा उसके पास ही मेरा पैसा जाएगा एंड uh, महंगा में खरीदना पड़ता है और थोड़ा कम प्राइस में बेचना पड़ता है बट आई गया दो ही इंडिकेटर को यूज करता हूँ एक टू हंड्रेड मूविंग एवरेज एंड एक फिफ्टी डे मूविंग एवरेज ये दोनों के ऊपर मेरा प्राइस है ना बस मेरे लिए हो गया अच्छा उतना ही है अरे वो, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन माई इनिशियल डेज

Hmm. तो सब लोग ना ज्यादातर फोकस करते आर के ऊपर रिटर्न ज्यादा चाहिए बट टू बी बी हॉनेस्ट टी पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है आप कितना देर मार्केट में रहेंगे ना दिस इज ऑल्सो अगेन सर्वाइवलशिप आप कितना देर मार्केट में रहेंगे उतना पैसा कमाएंगे एंड hmm. ऑल्सो uh, टी पे भी फोकस करना लोग रहेंगे बट थोड़ा लोग भूल जाते पी पे कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ पी इज नीडेड टू क्रिएट दिस मैजिकल फॉर्मूला आपको पी को जीरो करके देखो तो कॉम्पाउंडिंग करके किसको फायदा है सो मैटर इज ऑल्सो ऑन पी एंड इवन पी को ऐसे देखो पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से भी आप कोई भी कंपनी पे अभी इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल यू हैव हंड्रेड रुपीज इन योर हैंड अभी पोर्टफोलियो पे एक कंपनी पे आप कॉम्पाउंडिंग देख रहे हो थ्री ईयर्स में डबल होने वाली है सेल्स थ्री ईयर्स में डबल होने वाली है नेट प्रॉफिट राइट थ्री ईयर्स में कैश फ्लोज डबल होने वाली है थ्री ईयर्स में पूरा धंधा डबल होने वाली है प्राइस कैन मैटर एनीथिंग इट कैन गो अप इट कैन गो डाउन दैट्स डिफरेंट

देखो आपके पास सौ रुपए है हंड्रेड रुपीज इज़ देर आप जाके हंड्रेड कंपनीज खरीद लो अरे आई डोंट बिलीव इन दैट आई एम मोर ए कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब यही ये होता है मेरे लिए मेरा खुद का पोर्टफोलियो आप इफ यू हैस माई ओन पोर्टफोलियो आई विल जस्ट हैव फाइव सिक्स कंपनीज तो मेरा उसमें भी ना टू कंपनीज है फिफ्टी परसेंट अलोकेशन सो दैट्स माई अलोकेशन इफ यू हैस माई मॉम माई डैड माई सिस्टर एंड माई अंकल एंड माई आंट दिस इज द पोर्टफोलियो दैट आई मैनेज तो इनको पूछेंगे आई डू इट आई डू इट लाइक ए क्लाइंट क्लाइंट को किसे करता हूँ ना वैसे उनको करता हूँ क्यों तो वो तो माइट भी देर माई रिलेटिव एंड वो लोग नहीं बोलेंगे बट मैं उनका वैसा खो नहीं सकता सो आई है डाइवर्सिफाई थोड़ा डाइवर्सिफाई का मतलब मेरा ये होता है मेरा एक फिलोसफी यह है बुल मार्केट में आई गो विन कंपनीज मैक्स बेयर मार्केट में आई गो विट्रेटेड क्यों तो बेयर मार्केट में अच्छा कंपनी पे लगाएंगे ना उसका प्रॉबिलिटी ऑफ मेकिंग इट बिगर विल बी वेरी हाई तो नेवर एवर मिस द बेयर मार्केट बेयर मार्केट इज समथिंग लाइक पी पे ज्यादा फोकस करो उस टाइम टी पे फोकस मत करो टी तो बहुत छोटा पे मिल जाता है आपको hmm. अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में आप टी को फोकस करते रहेंगे तो क्या पैसे बनाएंगे so, उस टाइम पे पी पे फोकस करना था सो यू शुड सी मार्केट एट वॉट टाइम वॉट यू टू फोकस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कॉम्पाउंडिंग फॉर्मुला ये होता है मेरे अकॉर्डिंग

सब लोग गिर रहे हैं मैं भी गिर रहा हूँ नंबर अच्छा है नंबर खराब है किसको क्या चाहिए फर्क ही नहीं पड़ता है तब तो तब लोग सब लोग तो भागते रहते हैं बाहर तो उसी समय तो एक्चुअली आपको आना पड़ता है अंदर एंड बेयर मार्केट का मतलब यही सिंपल है व्हेन यू कैन सी ए डे वेयर योर निफ्टी इज फॉलिंग बाय फाइव परसेंट प्लस आई कॉल इट दैट इज बेयर मार्केट वो मेरे अकॉर्डिंग so, है इफ निफ्टी इज फॉलिंग इन डे मोर देन यस वो होता बहुत रेयर है वो भी है वो होगा तो बेयर मार्केट का डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग है okay. ये हुआ था ना मार्च 2022 पे आप देखे होंगे मेरे एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ इट वाज ट्वेंटी मार्च 2020 वाज वी हैड ए फाइव परसेंट डाउन ये डेट क्यों आप पूछ सकते हो इसको बहुत लॉजिकल है मेरा उस दिन ना बहुत ही एक अच्छा इवेंट हो गया था मेरे लाइफ में तो आई रिमेंबर दैट डेट वेरी इजिली ओके

मेरे पास ना ए इज नॉट सो बिग टू hmm. तो गो सच लेवल अरे ऐसे सोचो सर मेरे पास थाउजेंड करोड़ है टेबल hmm. पे hmm. मैं बहुत ही छोटा इन्वेस्टर हूँ एंड माई मेजोरिटी मनी हेज कम फ्रॉम वन और टू स्टॉक्स एंड उससे भी जो प्रिंसिपल चाहिए तो वो मेरा फैमिली से आया एंड hmm. मेरा फैमिली इज वेरी गुड नो बैड थिंग अबाउट दैट मेरा hmm. पैसा उधर ही आया मैं ओपनली बोलूंगा मेरा बड़ा पैसा उधर से ही आया hmm. तो आई मेक आई मैनेज माई फैमिली मनी So, मेरे पास ना ए पे ज्यादा होगा तो मैं भी सोच सकता था टू हंड्रेड क्यों तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है ना उनको बड़ा पैसा किससे एक स्टॉक में छोटा स्टॉक में दिखता है ऑपरचुनिटी उसमें डालेंगे तो पूरा कंपनी खरीद को तो उनको चलाना पड़ेगा hmm. तो इसीलिए करना ही पड़ता है वो जग मार के करना पड़ता है इट्स लाइक फॉर सो इफ बिगर कैपिटल मोर देन सी आर हंड्रेड सियर के ऊपर हुआ तो कितना हंड्रेड सीआर के ऊपर एंड इफ इज फोकसिंग ऑन मिड एन स्मॉल मोस्ट ऑफ लिक्विडिटी नहीं मिलेगा तो उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ते हैं मनी कंट्रोल पे hmm. आप इधर 20 नेम्स hmm. देखेंगे ना

और बोला कैन यू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड उन्होंने हमको पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए थोड़ा पैसे दिया मतलब द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन उनको पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए थोड़ा पैसे दिया था बट उनका मेजोरिटी मनी ना रैंडम कंपनी पे पैसा लगा के रखा था mm -hmm. तो उनको वो कंफर्मेशन करने के लिए हमारा पैसा आया था एंड इट वाज वन अमंग देम एंड वो सोच रहे थे इस कंपनी पे आई कैन मेक लॉट ऑफ गुड मनी एंड दे बेटर देर हाउस ऑन दिस टू क्रेजी तो तब मैंने सोचा इसके बारे में लिखना है जरूरत से देन दैट्स द रीजन आई केम अप विद दिस आर्टिकल सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी विल ऑलवेज गेट कंपनीज जो डिस्ट्रॉय भी करेगी बुल मार्केट में वी टू दिस यस 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 एंड ये भी सोचो सर uh, uh, एक बुल मार्केट में ना एक कंपनी मर गया था मतलब इट वॉज डाइड ऑलमोस्ट एंड इट वॉज ए फॉलिंग नाइफ कैच्ड बाय

बिकॉज तो ये तो सब में ट्रेड करते बिलो हंड्रेड रुपीज ना उनको तो हंड्रेड रुपीज का स्टॉक है थोड़ा भी मूव हो जाएगा टू रुपीज का भी स्टॉक है मतलब थोड़ा भी हो जाएगा मेरा बहुत बड़ा कैपिटल बन गया नंबर ऑफ स्टॉक्स पे खेलते लोग इट्स नॉट अ फॉर एग्जाम्पल आई हैव इन्वेस्टेड इन वन पर्सनल माई हिसेल्फ इन वन कंपनी उसका प्राइज समवेयर मोर देन सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड के आस है तो पीपल विल बी लाइक इतना महंगा स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना है भैया मार्केट के आप देखो उसका अपॉर्चुनिटी टाइम देखो टाइम पे तो वो तो बहुत छोटा कंपनी है बट पीपल आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं वैल्यूएशन इज नॉट ऑन प्राइस इट वैल्यूएशन इज ऑन मार्केट कैप एंड द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड द टाइम दैट्स व्हाई एमआरएफ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक यस मोस्ट एक्सपेंसिव इन प्राइस टर्म्स या दैट्स

बोल के बहुत सारा कंपनीस आए थे 40 -50 था। उनका फोर्टी फिफ्टी परसेंट डिस्ट्रॉय हुआ था आई टेकन एल आई सी आई पी ओ उनका इफ यू सी इट वॉज लाइक फोर्टी परसेंट डॉन पेंट कंपनीज नहीं लिया था द पॉइंट दैट यू मेड इट आई वेंट टेकन स्मॉल कैप कंपनीज़ बहुत सारा स्मॉल कैप कंपनीज था उनको मैंने इग्नोर किया आई वेंट टेकन डायग्नेस्टिक सेक्टर बिकॉज द कॉम्पिटिशन ऑल्सो केम फ्रॉम टाटा हीयर ओके इफ़ यू सी एक टेस्ट को uh, एक बहुत ही मजाक आया था उस टाइम uh, देर इज ए कंपनी विच कम्स एंडल दट मैं हंड्रेड रुपीज में आपको टेस्ट करवाऊंगा टाटा टाटा टेल्स uh, वन वा, एम जी एप के थ्रू बोलते हैंचुअली वो टेस्ट बनने के लिए ना मतलब करने के लिए कॉस्ट होती है वन ट्वेंटी रुपीज ओके ये कोई कॉम्पिटेटर आके बोलता है मैं हंड्रेड रुपीज में दूंगा इट वॉज मैथमेटिकली समझ में नहीं आ रहा था सो hmm. so, वो बहुत ही रिस्की uh, बेट हो गया hmm. उसकी वजह से बहुत सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज बैड थ्रू आ गया कि तो उनका एक पिक भी बन गया था बिकॉज ऑफ द कोविड तो उसके वजह से दे ऑल्सो सेक्टर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सब लोग तो बहुत पहले से आई टी आई टी आई टी करते थे इधर देखेंगे तो आप म्यूचुअल फंड से किसी के पास आई टी कंपनीज नहीं था सो दैट वॉज द थिंग इस सब कंपनीज का ना एक कॉमन फाइंडिंग्स है एक रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ा इन्वेस्टर ओके सेकेंड यू विल सी सी एफ ओ एक्सपेक्टेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका okay. मतलब स्टोरीज पर बिलीव करता है ओके तो थर्ड वन ज्यादातर कंपनीकल इन बिजनेस नेचर सिक्लिकल हर कंपनी सिक्लिकल होता है लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड देर इज नथिंग कॉल अ स्ट्रक्चर बट लेस साइकिल और द लॉन्गर ड्यूरेशन साइकिल एंड द लॉन्गर करवेक्चर ऑफ द साइकिल इज वॉट यू नीट टू फाइंड इट आउट तो फोर्थ इंटरेस्टिंग नंबर इज दैट प्रोमोटर प्लेजिंग बहुत सारे कंपनी बड़ा सीन प्रमोटर प्लेज किए थे एंड वो भी प्लेज इसीलिए करते उनको पता है कुछ तो ओपन लेवल पे एग्जिट मिल गया ना प्लेज उनको मिल गया ना एग्जिट बट मिला नहीं तो इनको सो दैट मेड मी इंटरेस्टिंग टू टू राइट दिस आर्टिकल सो मींस ये तो अभी वैलिड है

when they were looting India, hmm. that's where they need this railway system to be existence. <laughs> यहाँ से भागने के लिए के. <laughs> जो भी हो सकता है उनका thought में क्या था मुझे पता नहीं है hmm. <laughs> So they built this entire system. तो तभी का वेगन इधर से बन रहा था Okay. So that's how these legacy companies have been from here. So they are very cyclical in nature, but they they are very long cyclical in nature. Long, बड़ा बड़ा cycles आता है उन पे. But if you are right with getting the curvature right, अप एंड बॉटम वो थोड़ा लंबे समय में दिखता है इसका साइकिल चलता है years, years पे। तो इफ़ आर राइट एट मेड लॉट ऑफ मनी इन दिस प्लेसिकल्स हो भी होता है नहीं भी हो सकता है

आज हम लोग बहुत ज्यादा इसी नंबर्स पे बात करेंगे सो देर आर लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट पी एंड एल बैलेंस शीट ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट uh, कमेंट्री पढ़ेंगे इंडस्ट्री नंबर्स देखेंगे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट पढ़ेंगे इतना पढ़ लिया ना अस्सी परसेंट का काम चल ओके करसेंट वर्क दिस यू माइट बी नोइंग दैट नोइंगी ट्वेंटी प्रिंसिपल या वो मेजोरिटी यही है अस्सी परसेंट आपको बीस परसेंट काम करना है अस्सी परसेंट आंसर इसमें मिल जाता है आपको ओके okay. तो वो बीस परसेंट करना है नहीं करना है वो आपका मर्जी है कितना एज लेना चाहते हैं वो

डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स इन द कॉल ये होता है ये एक्चुअली ये ग्राउंड है बट उसके लिए ना आपको तड़का लगाना ही पड़ेगा आपको जाके देखना ही पड़ेगा क्योंकि यू यू आर नॉट सपोज टू लूज द कैपिटल बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड मनी ऑफ दट समल्स एंड उसको पता भी नहीं उस कैपिटल के पीछे जो स्टोरी है आई हैव कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस दट उस कैपिटल के स्टोरी वॉज हॉस्पिटल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सम पर्सन एंड वो कैपिटल इक्विटीज में आया था एंड दैट इज बिकॉज सेलिंग इट तो हमको पता नहीं है वो बेचा था कुछ और ही लेवल पे और वो कैपिटल इक्विटी में आके आ रहा है दैट पर्सन के नॉट अफोर्ड टू बी दर सो करना ही पड़ेगा आपको सबको सो पहले कैश फ्लो को समझते कैश फ्लो स्टेटमेंट लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम मै नॉर्मल एनी बिजनेस मैन लाइक आप भी बिजनेस चलाओ तो मैं भी बिजनेस चलाओ तो सोचो आप कैसे सोचेंगे वैसे सोचेंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बिजनेस चालू करेगा उसको पहला चीज़ क्या होता है फाइनेंसिंग उसको फाइनेंस कैपिटल चाहिए कुछ तो धंधा चालू करने के लिए तो वो पूरा कैप्चर होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर ओके पहले पैसा आएगा तो वो जाके कुछ इन्वेस्ट करेगा कुछ असेट्स पर वो असेट्स बनती इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल्स बनने के लिए तैयार होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आई नो हाउ टू प्रोड्यूस चॉकलेट एंड आई डोंट हैव कैपिटल आई रेस्ट आई हैड एंड आई फ्रॉम यू तो वो दोनों हैंड्रामीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होता है और वो टू हंड्रेड रुपीज में जाके एक लैंड खरीद लिया एक चॉकलेट फैक्ट्री बनाया वो सारा रॉ मटेरियल खरीदा सब कुछ बनाया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने के बाद uh -huh. उसको मुझे चॉकलेट रेडी प्रोडक्ट बनाया इधर असेट्स में इन्वेस्ट किया इसीलिए रेडी प्रोडक्ट बनने के लिए यूज किया उसको बनने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है बिकॉज में सेल करना है मुझे वैन आई सेल एंड रिसीव कैश फ्रॉम हिम राइट दैट ऑल गेट रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी गॉड तो पहले बिजनेस स्टार्ट ऑफ द ईयर उल्टा होता है प्रोसेस ऑफ द ईयर ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्वेस्टिंग और उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी पर आता है सो नाउ विल गो जीरो पे पता चलेगा कैसे बिजनेस दिखता है ईयर वन पे कैसे दिखता है सेल्स बना कुछ हंड्रेड रुपीज़ का मैंने सेल किया सो so जो हंड्रेड रुपीज सेल्स पे आ, आप मेरे दोस्त है सोचेंगे तो आप आके बोला कौशिक अभी मेरे पास पैसा नहीं है बट तू दे देना मेरे लिए दस रुपये का चॉकलेट मैं किसी और को बेच के और लाइक रिटेलर्स को किसी को भी बेच के मैं वो उधर से कलेक्ट करके मैं तुमको वापस कर दूंगा ओके okay. तो मैं मुझे क्या कर क्रेडिट सेल करना पड़ा करेक्ट बिकॉज वी हैव द रिलेशनशिप एंड मुझे बिजनेस भी चलाना है तो सोचो आपका टेन रुपीज़ जो मैंने आपको दिया हंड्रेड रुपीज़ मेरा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पूरा धंधा चला के पूरा मेहनत करके पूरा घर को लेकर जाता है ना वो दस रुपये होता है hmm. पूरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है मुझे बाद hmm. तो सब कुछ करने के बाद टेन रुपीज़ इज वॉट आई हैिवन क्रेडिट ऑन यू सो इफ यू डिफॉल्ट वॉट डि डू फॉर दैट ईयर करेक्ट तो वो भी रिस्क होता है तो क्रेडिट को चूज करना पड़ता है तो एंड चूज करने के लिए ट्रस्ट मैटर से लॉट ओके सो इफ आई हैव वेरी गुड ट्रस्ट ऑन यू दट्स फॉर आई गिव द क्रेडिट तो वो भी इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है सेल्स पे नाउ आपको उसके बाद सेल्स के बाद क्या सेकेंड लाइन आइटम इट्स कॉक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑल और लाइक कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड तो आप ऐसे सोचो वेन यू कन्वर्ट एनी रॉ मटेरियल टू अ फिनिश्ड गुड आप रॉ मेटेरियल कर ही देंगे उधर हम उल्टा हो जाएंगे तो आप रॉ मटेरियल सेलर हो और मैं बायर हूँ hmm. तो अभी आपके पास मैं मैं आपके आके बोलूँगा देखो मेरे पास पैसा नहीं है तो यू गिव मी ऑन क्रेडिट आई विल टेक इट मैं फिनिश गुड बनाऊंगा और मैं भेज दूंगा ना तब मैं मैं आपको पैसा लौटा दूंगा नहीं तो एक तीस दिन दे देना मैं लौटा दूंगा कुछ तो बोल के मैं आपसे ले कर जाऊँगा उधर भी आपका ट्रस्ट वन साइड मेरा साइड राइट हैंड साइड क्रेडिट है उसको वो एक्चुअली पेबल्स हो सकता है तो क्रेडिट इज़ समथिंग लाइक पेएबल एज वेल एज रिसिवेबल दोनों वही है बट आप किस जगह पर करके देखेंगे वो उसका नाम चेंज हो जाता है Sure. उसका एंट्री पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सो यू थिंक टू प्रोड्यूस द चॉकलेट यू सेल इट फॉर हंड्रेडीज टू प्रोड्यूस इट होगा तो आपका मार्जिन बना मार्जिन में आप फैक्ट्री लगाए फैक्ट्री इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है hmm. तो उसको डिप्रिसन वगैरह सब कुछ लगता है hmm. वो पूरा फैक्ट्री एक दिन में एक दिन जाके जीरो हो जाता है बॉल डाउन तो।, hmm. तो आपको क्या करना है उस फैक्ट्री को फैक्ट्री के हिसाब से रखने के लिए कुछ कैपेक्स करना पड़ता है ओके okay. तो री इन्वेस्ट करना पड़ता है ओके सो वॉट यू विल डू वो फिफ्टी रुपीज जो भी बच के आया आपके पास पैसा आप सोच लो हो तीस रुपये मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा और ग्रोथ भी मुझे दिख रहा है टेन रुपीज इज वॉट टू मेंटेन फैक्ट्री का फैक्ट्री और बीस रुपये मैं एक्स्ट्रा करूंगा यार इस साल तो मैं कुछ देख रहा हूँ धंधा ग्रो हो रही है सब कुछ ग्रोथ दिख रही है तो आई गो इन्वेस्ट मोर एंड आई एम लाइक ट्वेंटी रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया सो इट इज थर्टी रुपीज में टेन रुपीज इज फॉर मेंटेनिंग द फैक्ट्री ट्वेंटी रुपीज इज द कैपेक्स फॉर ग्रोथ तो मेरे हिसाब से वो ट्वेंटी रुपीज भी नेक्स्ट ईयर वो सेल्स जनरेट करेगा राइट तो अभी फिफ्टी रुपीज़ में थर्टी रुपीस इधर जाएगा तो बा, 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 बाकी बचा बीस रुपए ट्वेंटी रुपीज तो ट्वेंटी रुपीज़ में क्या करने वाला मैं तो डेट भी लिया था पहले बात तो हंड्रेड रुपीज लिया था उसका टेन परसेंट के हिसाब से बात करेंगे तो टेन रुपीज़ होता है रैट? तो मुझे वो टेन रुपीज़ चौका दे दिया और मेरे पास एक्स्ट्रा टेन रुपीज बचा ना इसको बोलते हैं सब लोग फ्री कैश फ्लो टू फॉर इक्विटी Okay. ये दस रुपए मैं अभी ये सोच सकता हूँ मेरे पास सौ रुपए का डेट मैं बस इंटरेस्ट पे किया टेन रुपीज मैं दे दूंगा तो मेरे पास नाइन्टी रुपीज हो जाएगा नेक्स्ट साल होगा मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं तो ये ट्वेंटी रुपीज में जाके फिर से मैं आ, ग्रोथ में लगा दूंगा ये कैपिटल इज समथिंग दैट आई हैव कंट्रोल बिकॉज एज एन इक्विटी होल्डर आई डिड दिस मैं इतना रिस्क उठाई पूरा बनाने के लिए सो so, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लोन यू विल बी नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट फॉर मी बिकॉज माई इंटरेस्ट कॉस्ट विल गो डाउन मैं रीपे कर दिया ना दस रुपये तो मतलब नाइन रुपीज़ के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नहीं तो मैं वो नहीं सोचा मैं सोचा असेट में डाल देते हूँ यार लोन को मैं करते धीरे 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 करते चलते तो ये यार ना मैनेजमेंट का अप्रोच समझ में आता है इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर एंड इन्वेस्टिंग इन कैपेक्स असेट बिल्ड करने में डाल रहे हैं फिर से तो उसका मतलब उसको ग्रोथ दिख रहा है hmm. वो इतना पागल नहीं है वो ग्रोथ नहीं देखेगा तो पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा वो कोई भी नहीं होता है उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है उस धंधे से सो लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट मोर इंसाइट ऑन दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट पर इसके अंदर भी कुछ है और एक्स्ट्रा सो so, कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट किया hmm. और आप बोल रहे हैं कि वो कैश फ्लो में काफ़ी पैसा उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वापस डाल दिया विच इज़ बेसिकली द केपेक्स और थोड़ा पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लोन सर्विस करने में लगा दिया दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन और ऑपरेटिंग से जो पैसा कमाया काफ़ी पैसा फाइनेंशियल एक्टिविटी में कर दिया मतलब तो लोन रिपे पहले कर दिया और केपेक्स के लिए कम पैसा डाला ये देखो सर वो वैसे होता है इफ आई एम द प्रमोटर मुझे लगता है ग्रोथ एक साल डाउन द लाइन आने वाला है इस साल नहीं है हाँ तो मैं ये सोचूंगा ना पहले फाइनेंसिंग को दे दो डेट रिपे कर दो तो मेरे पास वो कॉस्ट नहीं पड़ेगा ना तो मेरा मार्जिन एक्सपेंड हो गया नेक्स्ट ईयर का ओके मेरा पी एंड एल स्टेटमेंट का मार्जिन एक्सपेंड हो जाता है नेक्स्ट ईयर जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट के वजह से मेरा पीबीटी विल बिकम हाई मेरा पीबीटी इनटू टैक्स माइनस टैक्स कर दो वो मेरा पैट ज्यादा बनता है तो वो पूरा पैसा मैं खुद लेके जाऊंगा ना अरे मेरे ओन अभी टू पीपल डेट होल्डर एंड इनिक्विटी होल्डर दोनों ओनर हीता है एक ओनर को मैं भगा दिया पहले ही और मेरे एक ओनर पे मैं अभी तो कुछ करूंगा ना सो डिपेंड्स अपॉन आने वाले एक दो साल कब तक आप ग्रोथ देख रहे हो अच्छा ये आई सेक्टर के अंदर में आई टी स्टॉक्स है उसमें कैश बहुत बढ़ा हुआ है

हु यू मतलब आई एम ए कंपनी इफ आई एम री बाइंग ऑल माय इक्विटी बैक तो उसको मैं आई एल काट देता हूँ ना उतना इक्विटी तो बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं डिनोमिनेटर पे नंबर ऑफ शेयर्स को काट दिया तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर बीइंग द न्यूमरेटर तो वैल्यू एंड वैल्यू कम्स टू बी लार्जर ओके तो दैट लार्जर इस पोर्शन इज एन्जॉयड कमिंग फ्यूचर पे इज एन्जॉयड बाई मी सो आई मीन देर आर मल्टीपल थिंग्स अ कंपनी कैन डू डिपेंडिंग अपॉन वॉट काइंड ऑफ कैश फ्लो देर ठीक है हाउ डू यू जज अ मैनेजमेंट और हाउ डू यू बकेट अ मैनेजमेंट कि ये कर रहा है तो management, so, I mean, सब इस सौ तरीके से हो सकता है वही तो वो सौ में से चार सौ भी देखना पड़ेगा वो एक 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 है। कोई भी एक एग्जाम्पल दो कंपनी है जो ये करती है और उसने एक्स अमाउंट से तो उसका ग्रोथ बहुत हुआ बिकॉज उसने ये किया मे बी सो ओके क्या, क्या है? एक कंपनी है में उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सौ रुपए बनती है सोचो वो कंपनी ना असेट में ना जाके दो सौ रुपए इन्वेस्ट करती है सौ रुपए खुद का और फिर से फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इक्विटी लेके आ जाएगा नहीं तो फाइनेंसिंग से डेट डेट लेके आ जाएगा बहुत ज्यादा लेके आके फिर से जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल रहा है इस कंपनी में वो क्या बोलेंगे एंड दैट दैट कंपनी इज इज ग्रोथ इन सच ए जे दे टू डू

इसमें स को माइनस करने का बस नॉट द एंटायर सो ऑपरेटिंग होता है उसमें सेल उस uh, अच्छा, भी आता है, अच्छा, अब अच्छा, को sell भी करते हो बाई भी करते हो स्क्रैप को सेल करते हो वो भी हो जाता है अच्छा, नहीं अच्छा, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल कोई कोई स्टॉक में म्यूचुअल फंड में सब में पैसा बना में मेरा धंधे में, में ग्रोथ नहीं दिख रहा है मैं किसी और को में दे दिया म्यूचुअल फंड में दे दिया नहीं तो किसी और को अकबर कर रहे वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेंट करके फ्री कैश फ्लोअल बताना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो तब जो बचती है वो बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा कंपनी है नहीं उधर नहीं होता एनालिसिस कंप्लीट I can show you hundreds of Indian examples. We have 4,500 listed companies. So I can show you hundreds of examples, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जिसमें वो पॉजिटिव है बट कंपनी खराब है इंटेंशन बिहड दैट मेकिंग दैट मनी इज डिफरेंट वॉट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पॉजिटिव लेके आया और पॉजिटिव लेके आने के बाद उन्होंने दिया नहीं

तुम्हारा बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो भैया इतना बड़ा बैलेंस शीट क्यों बना रहे हो कीप योर बैलेंस शीट लीन इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा वो जाके पैसा दे दो ना इन्वेस्टर को वो कहीं और जाके कोच लेगा उसका पैसा से डिफरेंट दे दो वाई आर यू नॉट गिविंग डिफरेंट वाई यू डू यू वॉन्ट इवन मोटा क्यों बनाना है आपका बैलेंस शीट को पर हो सकता है उसका प्लान होगा अभी एक साल बाद वो एक तियरी है ये मेरा देने का पूरा प्रोसेस में पाँच छः महीने लग जाता है हो सकता है सर बट ये तो एक साल ये बात कर रहा हूँ देखो सर एक प्राइस को ना हर प्राइस को एक छोटा छोटा टुकड़े में करके देखेंगे तो एक टुकड़े में वो कंपनी वेल्थ क्रिएटर था लॉन्गर oh. टर्म नहीं ये भी okay. होता है तो वो कौन सा साइकिल टुकड़े में आप बात कर रहे हो वो डिफरेंट होता है उस टाइम का थियरी डिफरेंट होता है उस टाइम का स्टोरी डिफरेंट होता है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो क्या है बहुत कॉम्प्लिकेटेड <laughs> है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ जाएगा फिर एक्चुअली यू आर टॉकिंग इन अ वेरी डिफरेंट टेंजेंट एंजेंट नहीं पता कितने लोग समझ पा रहे होंगे बट आई एम डेफिनेटली मैं एक छोटा एग्जाम्पल्स लूंगा अभी से पूरा प्रेजेंटेशन नाइट कम्पलीट तो एग्जाम्पल देर आर थ्री कंपनीस इधर इधर हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस hmm. और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे उसका नंबर का सो यू कैन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू है एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट का मेथड हमने पहले बात किया सेल्स पे मैं क्रेडिटर को इतना दिया तो मेरा कैश सेल हो गया नाइन्टी रुपीज मैंने आ, आ, पे, पे आ, किसी को रॉ मटेरियल खरीदा वो रॉ मटीरियल को पैसा नहीं दिया तो मैं बोला बाद में दूंगा तो मेरा कॉस्ट कितना बनता है वो कॉस्ट मैं माइनस कर दूंगा जो बचा वो कैश में बचाता वो डायरेक्ट मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड आपको पे एंडर स्टेटमेंट नीचे से ऊपर लेके जाने का सो okay. so, आप सोचो नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रेशिएशन अमोर्टाइजेशन डिप्रेशन अमोर्टाइजेशन नाम का सेट होता है नाम का एक्सपेंस होता है वो हर साल का एक्सपेंस नहीं है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही बार होता है बरबर ये हर बार नहीं होता स्क्रैप में सेल हो गया वो सब तब आता है तो यू विल एड बैक दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस माइनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो डेटर एंड रिस्यबल्स एंड पेबल्स का मैंने जो बात किया वो सब इधर होता है और इन्वेंट्री सब कुछ उनका नेट ऑफ इधर होता है तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो सिंबल भूल प्लस और माइनस ने कैश इन्वेस्ट किया हा मतलब आपका पॉकेट से कैश गया बाहर हाँ। उसका मतलब माइनस है आपका पॉकेट पे पैसा आया उसका मतलब प्लस है तो फॉर एग्जाम्पल यू वॉट सम रॉ मेटेरियल रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो पैसा गया तो उसका मतलब माइनस है पैसे के टर्म्स पे देखो नॉट ऑन द प्रोडक्ट टर्म्स आपने किसी को सेल किया वो पैसे आ रहे आपके पॉकेट पे उसको प्लेस करो आपने सेल किया वर्किंग वॉज हंड्रेड रुपीज वन ईयर का पॉइंट ऑफ में डेटर वॉज हंड्रेड एंड टेन रुपीज डेटर मतलब क्या होता है आई हैोल्ड इट गेट मनी नहीं आया ना तो टेन रुपीज मेरे पास कैश नहीं आया तो माइनस तो है ना इधर ओके okay, तो वर्किंग कैपिटल में माइनस टेन रुपीस होता है पैसा मेरे पॉकेट में आया तो ही प्लस होता है नहीं okay. आया तो माइनस में है। it, so उस से देखो सीड फ्रॉमेंटेशन में पूरा कैश पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन कैश पॉइंट ऑफ से होता है सो आई बिलीव कैश इज किंग प्रॉफिट इज टिटी

तो आई एम हियर इन माई नंबर्स सी एफ ओ इज़ पोस्ट टैक्स है तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो पोस्ट टैक्स दैट्स द रीजन आई एम पोस्ट टैक्स का कंपेरिजन कर रहा हूँ तो मैंने 2010 से मार्च 2022 टू कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गिव द लाइव नंबर्स ओके दस साल का सी एफ ओ नंबर ऊपर डाला नीचे नेट प्रॉफिट का नंबर डाला आई एम नॉट डूइंग वेरी सिंपल थिंग वन वन फाइव डिवाइडेड बाई वन सेवन सेवन सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी है इधर पहला दिसंबर 2010 का नंबर्स पे बात कर रहा हूँ तो सिंपल फार्मूला से यह समझ में आता है आई शुड हैव दिस नंबर टू बी ग्रेटर नेट प्रॉफिट से ज्यादा रहेगा तो no. उसको ग्रीन दे दो कम रहेगा तो उसको रेड दे दो okay. ये मैथमेटिक्स डाल दिया ओके okay. हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है ज्यादा ही रहना है ना फिलोसफिकली ज्यादा ही रहना है तो इन दिस थ्री कंपनीज लॉजिकली इतना साल का नंबर्स डालने के बाद इस तीन कंपनी में आपको कौन सा कंपनी पे इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा लगेगा

अच्छा ये कैसा ये हुआ है दिस इज द ट्रूथ फैक्ट एंड नॉट ओनली दैट कंपनी सीप है अब वही नहीं है प्रोमोटर प्लेजिंग भी ज़्यादा कर दिया तो आपका पहले वाला फाइंडिंग्स में हमने जो बोला चार चीज़ें होता है तो कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ने हो गया तो देखो इधर वो ट्रेंड भी दिखना चालू हुआ आपको सिक्सटी सिक्स परसेंटेज उसके बाद नाइन्टी फाइव नाइन्टी टू नाइन्टी सेवन एक्सपेक्टेशन ऑफ कैश फ्लो भी बढ़ रहा है स्टोरी मैचअप हो रहा है तो 2021 रैली में ये पार्टिसिपेट किया था ये तो ऑलरेडी पता है गुड पर्सन है यार। <laughs> तो 2022 में कम पैसा कर दिया। मतलब कैश फ्लो जनरेट नहीं किया वो uh, uh, okay. so, दिपनी भी ये ये इतना खराब क्यों हो गया ओके। दोनों कंपनी क्या किया उन्होंने uh, they they hmm. तो इन दोनों क्या किया था स्पेसिफिकली कंपनी है स्पेसिफिकली ये किया वो ज्यादा पैसा जाके ना वर्किंग कैपिटल में लगाया टू मेक इट ऑप्टिमाइज वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा लगाया और ज्यादा इन्वेंट्री कमाया इन्वेंट्री hmm. बढ़ायाट्री वो सेल नहीं किया उस साल उसके पास रखा था एंड एक साल के हिसाब से आप देखेंगे वो इन्वेंट्री उसी के पास था वो आपको नेक्स्ट ईयर में दिख जाता था वो बहुत बड़ा नंबर वो बहुत बड़ा कैसे वो आपको 1.2 1.3 1.4 कैश कैश फ्लो नेट प्रॉफिट वुड हैव बीन मोर देन लाइक लाइक यू कैन टेल टू टाइम्स मतलब टू रेशियो पे समझ रहे हो सर मतलब इट वाज वन ईयर स्पेसिफिक तो व्हाई इज देन वो तो ठीक है चलो एक साल एबिरेशन हो गया पर व्हाई देन कंपनी सी इज बेटर तो एक साल का एबिरेशन तो ही सकता है किसी कंपनी इसीलिए सर मैं लंबे, लंबे समय में देख, देख रहा इसीलिए लंबे समय इतना टाइम तो ठीक किया एक साल खराब हो गया तो हम उसको पेनलाइज क्यों नहीं पेनलाइज तो आप पेनलाइज तो हम लोग कोई भी नहीं कर रहे मार्केट तो मार्केट किया है वही तो क्यों किया हाँ तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी देख रहे हैं वन पॉइंट सेवन फाइव देने वाला बंदा आके टू जीरो पॉइंट टू फोर दे रहे फ्लो तो ही नहीं दे रहा अच्छा सा तो कैश कलेक्शन ही नहीं हुआ है कैश में सेल्स हुआ ही नहीं है अचानक से कंपनी में क्या हो गया कि कुछ नहीं हुआ था वो भी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया था आप डाई सेक्ट अंदर जाके देखेंगे हाउ दिस देंटर फॉर्मूला वर्क देवर स्ट विद बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल दोनों कंपनी में प्रॉब्लम्स इन वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो This जो भी बेनिफिट इनको मिल रहा था प्लस इस साल आते आते कंपनी भी, भी इसके पास ना स्क्रैप असेट बन गया है तो इसका वैल्यू जो एडिशन होना था वो नहीं हुआ उस साल तो इन लोगों को कैपेक्स भी नया करना पड़े अच्छी स्टॉक प्राइस का मूवमेंट मुझे देखने में बड़ा इंटरेस्ट था बट आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कलोज पे स्टॉक प्राइस वॉज वन परसेंटेज ऑफ पीक डोंट रिमेंबर सॉरी बट ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिरा था ये कंपनी ऑलमोस्ट फ्लैटिश चल रहा था ही वॉज द ट्वेंटी ट्वेंटी वन बुल मार्केट में सबको इसी को पसंद कर रहे थे एंड ऑल थ्री आर फुटवेयर सेक्टर तो समझ ही लोगे कोई भी ये कंपनी सी किसका बात में कर रहा हूँ कंपनी ये कंपनी भी किस पे बात कर रहा करेक्ट वो मैं वीडियो में बाद में बता दूंगा <laughs> <मजाक <मिला> कर। <रहा>। <laughs> <चार>। <laughs> तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको कंपनीज खराब कंपनीज को ल, 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 लंबे समय में निकालना है तो यू कैन यूज़ दिस रेशियो एंड यू कैन जस्ट सी दिस लंबे समय में क्या हो रहा है एंड ऑल्सो मैंने ना हर एक साल का डिवीज़न दिखाओ मैं और एक एडअप करता हूँ इधर

तो क्यूमिटी से ये पता चलेगा लंबे समय में इसके पास कैश फ्रिच है या नहीं मतलब जो रिजर्व है वो कैश में है कि ये नहीं? सब फाइनली तो सी एफ हो जो भी पैसा बनते हैं वो तो जाता ही रिजर्व का वो में वो सारा एक्सपेंसेस मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालने के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालने के बाद जो बचते हैं वो तो फ्री कैश फ्लो है ना वो जाता ही बैलेंस शीट का मोटा लाइन आइटम कॉलेज सरप्लस सो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके वो पैसा कलेक्ट होता है तो दिस ऑल मनी शुड गो लैंड अप अपन रिजोर्सन सरप्लस एक और मैंने ये पॉइंट नहीं लिया सो डिफरेंट आई एम गिविंग यू कैन आल्सो डू वेरी सिंपल थिंग लास्ट टेन इयर्स का कंपनीज का रिजर्वेशन सरप्लस को ऐड कर दो उतना पैसा मिनिमम उसको रिजर्वेशन सरप्लस में रहना है मतलब नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है ना हाँ दस साल का नेट प्रॉफिट कंपनी का हाँ। ले लो हाँ। वो ऐड कर लो टोटल मोटा-मोटा उतना पैसा तो मिनिमम रहना है रिजर्वेशन सरप्लस में वो नहीं है

सही बात है नहीं, नहीं होगा तो आप समझो ना वो कैसा कंपनी है में नहीं होता है सर सर बहुत सारे एग्जांपल्स कंपनी का है नाम कि नहीं तो। है बोनस, बोनस दिया होगा तो भी ना वो इक्विटी लाइन आइटम में आता है इक्विटी इज नथिंग बट बोनस स्प्लिट वो सारा डंका ना सब कुछ करते हैं जनरल रिजर्व और रिजर्सन सरप्लस और उसके बाद भी जो भी रिजर्व का रेट ऑफ होते है वो भी आता है तो जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसका भी माइनस उधर से करते हैं सो so, रिजर्वन सरप्लस इज़ ए लाइन आइटम सचे वे इट्स ए बि लेन अकाउंट आप ऐसे सोचो कुछ भी बैलेंस शीट में उधर उधर हो गया तो रिजर्स सरप्लस में माइनस कर लो नहीं तो प्लस कर लो वो बैलेंस शीट टैली होना चाहता है सो आपको खेलने के लिए लाइन आइटम मिला लेफ्ट साइड पर मतलब लाइवलिटी साइड दैट इज सरप्लस आपको ऐसे भी यू कैन सी द कंपनी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे दैट यू कैन अगेन बी मेरे को एक दो एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे आप तो समझ में नहीं आएगा और आप एग्जाम्पल दिखा नहीं रहे सो so, मुझे वो दिखाने के लिए कंपनी का नाम लेना पड़ता है सो आई डोंट वांटेड टू डू दैट बट आई कैन शो यू इन माय नेक्स्ट वन ऑफ हैं

तो इतना ज़्यादा हर साल देखेंगे वो यू कैन सी ऑलमोस्ट मोटा मोटा दैट फिक्स द सेट्स परचेज आर बीन हायर एंड फ्री कैश फ्लोस आर बीइंग लोअर ऑपरेटिंग कैश फ्लोस आर बीइंग लोअर इस कंपनी इतना ज़्यादा असेट में क्रिएट किया है ना इतना ज़्यादा पैसा असेट में डाला है ही हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन असेट्स बट देर इज समथिंग हैपेंड विद द कंपनी जो भी असेट इन लोगों ने खरीद डाला वो सारा असेट मोटा सर आप ऐसे सोचो इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो विच इज गोइंग साइड ऑफ बैलेंस शीट अट्स मोटा बनता है hmm. तो मोटा ही रहना है ना मोटा दिखना है ना हमको तब जाके उनका साइड असेट, असेट देखेंगे ना वो मोटा नहीं दिखता वो पतला दिखता है कैसे दिरे? वो क्या किया uh, इनका बैलेंस शीट मेरे पास नहीं है बट दिस कंपनी इफ यू सी द दूमिटिव ऑफ एंटायर असैट यू विल सी लॉर्ड ऑफ राइट ऑफ एनट रि बहुत सारे बेच रहे हैं तो बेचना ही रहेगा तो क्यों खरीद रहे हो पहले बात तो बेच दिया मतलब एसेट uh... को राइट ऑफ कर okay, दिया वो एसेट इज नॉट वर्किंग फॉर मी आई एम स्क्रैपिंग इट अप सो इज हाइफिंग ऑफ मनी देन यस क्या एसेट लिया एसेट लिया तो दिखाए तो नाम पे एसेट लिया हां बट एसेट तो नहीं होता तो वो बैलेंस शीट में दिख गया सो यू आर सेइंग दैट कैश फ्लो के अंदर में जो टोटल एसेट परचेस दिखाता है टोटल नंबर ग्रॉस ग्रॉस डॉक्यूमेंट सेम होना चाहिए ग्रॉस ग्रॉस ब्लॉक सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इवन असेट सेट में तीन तरह के एक होता है ग्रॉस ब्लॉक एक होता है नेट ब्लॉक एक होता है डिप्रेशन ग्रॉस ब्लॉक माइनस गिव्स यू एसेट नेट नेट एसेट्स एसेट्स में तो नंबर नहीं दिखेगा वैसे बिकॉज उसमें डिप्रेशन इंक्लूडेड होता है बट ग्रॉस ब्लॉक में ना हर दिन कभी भी आप जो भी कर देंगे वो एडअप अप एडअप अप वो मोटा ही होता है बट वो बैलेंस शीट का लाइन आइटम में नहीं दिखेगा आपको नोट्स तो अकाउंट्स में दिखेगा वो बात क्यों बिकॉज बैलेंस ए लेफ्ट हैंड इज टू राइट ऑफ राइट ऑफ देखना बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा नोट्स टू तो अकाउंट्स में दिखेगा ऑल्सो आपको वो ग्रॉस ब्लॉक भी gross, uh, मतलब कितना मेरा हिस्ट्री में कितना असेट खरीदा ना वो सबका टोटल नंबर वो भी आपको नोट्स टो तो अकाउंट्स में दिखेगा तो वो नोट्स टो तो अकाउंट्स में ये नंबर जो इसका इधर फिक्स दर से ना वो दोनों मैच होना है मोटा मोटा आई एम नॉटिंग हंड्रेड परसेंट कभी मैच नहीं होता है बट मोटा मोटा होना है नहीं हो रही है तो आप जाके पूछो ना कौन कॉल पे है क्यों नहीं हुआ है भैया क्या बताओ यू कैन फाइंड माई नेम इन सम ऑफ द कॉन कॉल्स जस्ट ईजी से टेम्पलेट बोल रहा हूँ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट आपको काम करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा कंपनी से बात कर रहा हो आप स्क्रीनर पर जाओ सर्च का टैब हुआ है कौशिक मोहन लिख दो मेरा स्पेलिंग के ओ यू एस एच आई के कौशिक मोहन लिखो आपको बहुत सारा कंपनीज में कॉन कॉल पर एक क्वेश्चन में पूछाओ वो दिख जाएगा आपको तो यू विल मैनेजमेंट उधर बड़बड़ा बड़बड़ाने भाई वो कौन कॉल आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल गया ना तो सुन लो उसमें कंपनी ब... मतलब ही विल नॉट बी एबल टू आंसर ये कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या आंसर करूँ मतलब ये तिजेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उनका सही है एक और एग्जाम्पल इस पे मरण नहीं अन अदर एग्जाम्पल देर इज ए कंपनी विच डज एवरी ईयर एक्सेप्शनल आइटम्स एक्सपेंस उनका पी एंड एल स्टेटमेंट में कम प्रॉफिट दिखाने के लिए दे शो समथिंग कॉल इज एक्सेप्शनल आइटम मिसिलेनियस आइटम बैलेंस शीट का होता है एक्सेप्शनल आइटम एक्सपेंसेस करके एक पी एंड एल में मिसमैच करने के लिए यूज होता है okay. तो वो हर साल आया उस कंपनी का उसका, उसका डिटेल नहीं रहता है हां उसका डिटेल नहीं देता क्या एक्सेप्शन है ऑब्वियस है ना उसका नोट टू अकाउंट्स देने का जरूरत नहीं है अच्छा अच्छा मतलब तो कंपनी यूज कर रही है तो कंपनी मेंशन कर सकते हैं एक्सेप्शन लाइन आइटम बिंदास एक्सपेंस में डाल सकते हैं मेरे एक्सेप्शनल आइटम वाज दिस मच मनी सो वंस इन अ ऑब्बियस वन इन वेल इट शुड भी बिकॉज कोई भी धंधा में ऐसे एक्सपेंस होता है मैं प्रिंटर कर दिया प्रिंटर ने प्रिंटर के लिए वो जो कार्ट्रिज होता है मतलब वो कलर होता है वो करीदा उसके लिए तो कुछ एक्सपेंस हुआ मेरे लिए वो मैंने पता ही नहीं मैं तो एंड ऑफ द ईयर बना रहा हूँ बैलेंस शीट को नहीं तो हर साल बना रहा हूँ वो मिस हो गया मेरा हाथ से तो मैं डाल दू एक्सेप्शनल आइटम्स में अच्छा चलेगा बट एक्सेप्शनल आइटम एज एज परसेंटेज ऑफ सेल्स मोटा भी था और हर साल नंबर वॉज हर साल ज़रूरत की हर साल तो होता नहीं है ऐसा कुछ हर साल इतना एक्सपेंसेस होता नहीं कंपनी को पता ही नहीं वो एक्सपेंस का मतलब ये भी नहीं होता है नेम इज आकाश तो जैसा अब कैश कन्वर्जन्स पे बात कर रहे थे अभी आप तो बट कुछ इंडस्ट्रीज का तो नेचर ही होता है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच रहेगा इन्वेंट्री ज़्यादा रहेगी तो वो फैक्ट जब आप कोई भी कंपनी को वैल्यू करेंगे तो उस चीज़ को तो फैक्टर इन करना ही पड़ेगा लेट्स से एग्रोकेमिकल कंपनीज आई आई अग्री विथ योर पॉइंट एग्रो केमिकल तो मैं केमिकल्स पर बताऊँगा स्पेशलिटी केमिकल्स पर साइड पर बात कर रहा हूँ नॉट अबाउट एग्रो स्पेशलिटी केमिकल्स में ना मोटा तर ज़्यादा पैसा उधर जाता है वर्किंग कैपिटल में स्टक होता है तो यू आर ऑल्सो डूइंग कंपेरिजन ऑफ पीयर टू पियर राइट तो मेरा पहला वाला एग्जाम्पल में पीयर टू पियर ही किया था मैंने पीयर टू पियर पर भी दिख रहे मुझे वो उत, देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे हंड्रेड रुपीज टकअप करना चाहिए और एल्स यू कैन टेक इट एज इन परसेंटेज टम्स दैट इज़ वे वेरी गुड सो मेरा टोटल सेल्स का

तो अभी एवरेज क्या बनेगा सर मोटर hmm. के तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड मीन मीडियन एंड मोड तो तीनों नंबर्स विल गो टूवर्ड्स हिम तो यू शुड बी क्लियर कट क्लैरिटी आपका मीन और मीडियन और मोड क्या है और उसके बाद कंपेयर करो तो इसीलिए मेरा पहले एग्जाम्पल पे देखेंगे ना उसका नंबर्स देखेंगे मोटा मोटा नेचरली सेम दिख रहा है आपको आई वेकन टेकन लीडर्स ऑफ दिस सेक्टर इन दिस थ्री एग्जाम्पल्स बिकॉज आई कैनॉट टेक दैम वो लोग आएंगे इंडस्ट्री पेयर में मेरा सेक्टर पेयर सेक्टर ही हो गया नंबर्स सेट इज़ सो ये एक एग्जाम्पल था ना मैं यही काम दूसरा कंपनी कहता दूसरा प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ। हूं दिखाए? ये एक कंपनी है विच इज किंग ऑफ इज इंडस्ट्री तो इनका भी देखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 65 है मार्च 2012 का बात कर रहा हूं फ्रिज दर्चेस वन एटी तो मतलब इनके पास कमाए सिक्सटी फाइव बट पैसा इन्वेस्ट किया वन एटी सिक्स वन एटी थ्री तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल अब क्यूमिटी पे भी ये देखेंगे बट फिक्स द राइट ऑफ नहीं किया था इन्होंने इनकी ना बिजनेस बड़ा बनते बनते गया और उतना एक्सपेंशन करते करते गया और बैलेंस शीट भी मोटा है कैश फ्लो नेगेटिव है फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है एंड पी एंड एल मोटा बन रही है बैलेंस शीट मोटा रहेगा तो उसका मतलब पी एंड एल पे भी मोटा हो सकता है

Hmm. तब लीडर ऑर्डर बड़ा होता है वो ज्यादा आपको जाके स्क्वीज करना चालू करेगा मतलब यू आर ए सप्लायर ऑफ सम रॉ मटेरियल टू मी यू नो आई विल गिव यू आई विल मेक योर एंटायर बैलेंस शीट पी एंड एल कैश एवरीथिंग बिकॉज ऑफ कैशल्टी परसेंट यू आर डिपेंडेंट ऑन माई नंबर्स तो यू वुड बी ओके वॉट एवर आई टेल यू दैट इज वॉट दे आर डूइंग तो मैं इनका आ, आ, शायद मैं इसका नाम भी ले लूंगा डी hmm. मार्ट hmm. तो आप ऐसे hmm. सोचो सर डी मार्ट स्क्स इट्स सप्लायर्स एंड रिसबल्स इन सच अ वे दट दे मेक मनी बट नो दैट इज रॉन्ग आंसर आई गिव द डिफरेंट स्टोरी वॉट दे डू दे डू ऑन टाइम एंड पेमेंट रहेगा तो दे डू ऑन टाइम पेमेंट एंड उसके ना इफ दे गेट इवन लिवरेज ऑफ डूइंग द पेमेंट इमीडिएट दे डू द इमीडिएट पेमेंट एंड टेक द ये सोचो आपका पेमेंट आना है तीन तीस दिन के बाद तो आप क्या करते हो वो मैंने तो एक लेटर दिए आपको भैया तो आप ले हाँ। ये ले लेना letter, उससे कलेक्ट कर लेना पैसा मुझे डिस्काउंट करके मुझे पैसा दे दे मुझे जा, जाना है हाँ। मुझे धंधा करना है मुझे धंधा हाँ। करने में पैसा नहीं है तो आप बैंक के पास हाँ। गया तो डिस्काउंटेड मैंने बोला यार तुमको पेमेंट चाहिए ना बैंक क्यों जाएगा वो बैंक कितना मार्जिन लेता है ना उतना मुझे पहले ही डिस्काउंट देते दे। मैं देता ग्रोन तो देता हूँ पूरा नंबर उनका है आप देखेंगे उनका राइट ऑफ एसेट एक भी नहीं होता वो कहां दिखता है फिक्स एसेट्स पर भी दिखता है ग्रॉस uh, ब्लॉक पे भी दिखता है सर आप ऐसे सोचो ग्रॉस ब्लॉक इज टू हंड्रेड क्रॉस हंड्रेड रुपीस एंड डिप्रिसन मोटा मोटा लगभग आ गया फिफ्टी फाइव ईयर वेयर इन रनिंग तो मोटा मोटा फिफ्टी हो गया ना तो नेट ब्लॉक कितना नेट फिक्स द सेट कितना पेपर हमारे पास आता है hmm. उसमें होता है फिफ्टी दिखता है उधर फिक्स द सेट फिफ्टी दिखता है बट जो हंड्रेड माइनस फिफ्टी गिवटी ही इन दिस एग्जाम्पल तो वो हंड्रेड रुपीज उनको खरीदना था ना वो लोग हंड्रेड नहीं दिखा रहे वो दिख रहा फिफ्टी और डिप्रेसेशन फिफ्टी तो नेट ब्लॉक हो गज़ रॉन्ग एग्जाम्पल सिक्सटी लाइक एटी देख लो एटी ऑन द ग्रॉस ब्लॉक ट्वेंटी रुपीज़ आपने असेट नहीं खरीदा था ग्रॉस ब्लॉक बुक्स एटी योर दिस वन डिप्रसेशन बुक्स फिफ्टी एंड यू हैव नेट ब्लॉक ऑफ थर्टी तो आप ना ट्वेंटी इधर टोटल इस फिक्स द से परचेस ऐड करके देखेंगे तो ये आ रहे हैं हंड्रेड उधर वो दिखा रहे एटी तो बीस का किधर गया हिसाब हिसाब किताब फॉर बीसिस है ही नहीं तो मोटा मोटा बीस कप बताओ भैया क्या किया उन्होंने जाके उनको पकड़ो उनके पीछे जाओ और बोलो तुम्हारा नंबर ऐसे दिख रहा है क्या किया तुमने ये बीस का ले आ, ये दे दो बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड माई ओन मनी दैट आई इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड मेरा पैसा जाके वो असेट बन रही है राइट इक्विटी होल्डर इज द पर्सन हु स्पॉन्सर्स द कंपनी राइट और द डेट होल्डर इज द पर्सन हु स्पॉन्सर द कंपनी एंड डेट होल्डर भी क्या है बैंक्स है और बैंक्स को भी पैसे किधर से आता है मेरे जैसे रिटेल होल्डर जाके उधर फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में कर रहा हूँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली जा रहे हैं कंपनी के पास मेरे वजह से ही तो मतलब मेरे वजह से मतलब मेरे जैसे लोगों के वजह से सो इट्स हार्ड एंड मनी ऑफ आर आस ठीक है आगे बढ़ते हैं हेलो सर सर सर्टिन कंपनीज में सी एफ ओ बाई नेट प्रॉफिट विल बी ग्रेटर दैन वन सो वॉट आर दी मेट्रिक तो योर क्वेश्चन इज दैट सी एफ ओ बाई नेट प्रॉफिट वन से ऊपर रहेगा तो भी खराब हो, हाँ, हाँ. right? हो, uh, हो सकता है क्या कंपनी क्वेश्चन राइट हो सकता है ये दिस नॉट दिनली फिल्टर दिस वन अम द फिल्टर एंड वैसे हो सकता है उल्टा भी हो सकता है बिकॉज मैंने छोड़ दिया ना उस कंपनी को हो सकता है वो अच्छा कंपनी को छोड़ दिया बिकॉज मैंने इधर वन पे बैठा हुआ इस एग्जाम्पल पे जाके देखा हो तो उस टाइम जोन पे वेल्थ क्रिएटर तो सी निकला

Yes, there is <laughs> <है>? uh, <laughs> हमारा ठीक है है है। कम से कम से को पता है, प्राइस और खाली देखना है। <laughs> This is no limit to variables, कुछ भी क्योंकि yes. like, अगर ये नहीं हुआ, तो वो वो नहीं हुआ तो फिर वो देखो वो नहीं हुआ तो फिर वो देखो वो नहीं हुआ तो फिर वो देखो फिर भी देखेंगे प्राइस तो कुछ और ही कर रहा है ट्रूथ ऑफ सो आपको सारा चीज देखना पड़ेगा मोटे समय में लंबे समय में कौन सा कंपनी हिस्टोरिकली अच्छा कर रहे है, उस पर जाके बैठोगे थोड़ा बहुत टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ वॉलीटैलिटी फिर भी जरूरी नहीं है मैं कमाऊँगा वो भी ज़रूरत नहीं है मैं मेरा दस का दस कंपनी जो भी खरीदा हाँ। वो भी बेकार निकला तो गया मैं तो और वेरिएबल्स बताइए चलिए ठीक है मल्टीपल बताइए सो दिस इज ए डिफरेंट कंपनी ये कंपनी उनका सी एफ ओ नंबर भी दिखा सकता है सो यू कैन मैनुपुलेट यूर सी एफ ओ ऑल्सो क्या बात कर yes. केस होता है इतना देर हम सी एफ ओ कोई जेन्यून मान के पूरा सी एफ ओ कैन ऑल्सो भी मैनुपुलेटेड बट एक कंडीशन ये होता है सी एफ ओ मैनुपलेट करने के लिए ना बहुत ही दिमाग वाला आदमी होना चाहिए ओके, okay. <laughs> <laughs> तो वो दिख जाता है थोड़ा बहुत जगह जा, में। so he can. तो मेंबल हो और पेएबल मेरा right, इसी में समझाइए नंबर ये ये नंबर, नंबर पे समझा। वाला तो कैन यू सी सर ये रिसीवे वन दिख रहे और इन्वेंट्री में फिफ्टी सेवन दिख है और पेएबल्स में एटीन दिख रहा है तो ये क्या किया ये दोनों नंबर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स को स्क्विज कर दिया उसने आपको दिख रहा है ये सेवेंटी वन माइनस और सिक्सटी फोर पॉजिटिव इलेवन ये मिसमैच नंबर दिखाया इधर वन दिखा के तो आप बताओ रिसीवेबल्स में मैं बस वन ही रिसीव करना था मुझे उस साल हो भी नहीं सकता वैसे

तब मैंने आज सेल कर रहा हूं जिस इज वन ईयर लेटर मैं उस रॉ मटेरियल का टेन रुपीस लेके हिसाब करूंगा फॉर एग्जांपल माय सेल्स इज हंड्रेड रुपीस एंड माय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी टेन रुपीस बिकॉज आई बॉट इट दैट रॉ मटेरियल ऑन दैट डे मैंने दस साल पहले वाला रॉ मटेरियल को आज बेच रहा हूँ फिफो का मतलब वही हो गया ना तो उसके वजह से क्या होगा आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख गया अच्छा मिस मैच अकाउंटिंग मिस तो वो हो नहीं सकता है वैसे नहीं जानना है

वो खुद नहीं बना पा रहे ये कंपनी को लेके कोई भी कंपनी का रियल नंबर सो आई विल गिव यू व्हाट हैपेंड मी मैंने इतना नॉलेज क्यों आया मेरे ]ね. पास माय टीचर टीचर अकाउंट्स इज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ लिस्टेड कंपनीज विदाउट टेलिंग द नेम जस्ट पी एंड एल कैश फ्लो बैलेंस शीट दस शीट दस साल का हाथ में दे दिया पूरा बोला इस नंबर्स को आपका नंबर बनाओ मतलब डायसेक दिस एंटर बैलेंस शीट नाम नहीं पता है नो बायस नो हिस्ट्री

<laughs> मतलब पॉइंट सारा ही अच्छा था बट ये बहुत बड़ी पॉइंट है विच हम लोग इसको हाईलाइट भी करेंगे इस पॉइंट को कि अल्टीमेटली अगर सीरियस पैसा डालना है तो करना ही तो पड़ेगा पड़े री रीडिजाइन uh, करना स, पड़ेगा सर ऐसे सोचो मैंने एक घर बनाया फॉर एग्जाम्पल आई मेड एन ऑफिस तो आ, आज आप रेंट लेने वाले हो उस ऑफिस को आपके हिसाब से बनाएंगे ना आपको इधर रूम ये आना है वो रूम उधर आना है

कंपनी चालू हुआ उसी दिन तो वो दो देखो आपको अभी एक कंपनी चालू कर रहा हो आपके पास कैपिटल सौ रुपए है आपको कंपनी चालू करने के लिए दो सौ रुपए चाहिए तो आप डेट उठाया सौ रुपए तो वो सौ रुपए दो सौ रुपए को लेकर फिक्स असेट्स खरीदाओ फिक्सडसेट्स खरीद के ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाए मतलब सेल्स वगैरह बना के वो पूरा कैश फ्लो प्रॉफिट वगैरह बनाए उसी प्रॉफिट से लेके फिर से इन्वेस्ट कर देंगे ये है ना प्रोसेस तो आपको जीरो ईयर को बनाओ उस साल का ईयर वन को पता है और इन्वेस्टिंग का पहले आता है ऑपरेटिंग उसके बाद इन्वेस्टिंग उसके बाद फाइनेंसिंग तो उस साल को एनालिसिस करने का टाइम ऐसे शिफ्ट हो जाओ इधर से देखो और उसका नेक्स्ट साल तो यही प्रोसेस पे चलते रहता है तो इसीलिए फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग सॉरी ऑपरेटिंग उसके बाद इन्वेस्टिंग उसके बाद फाइनेंसिंग होता है तो इसीलिए ना बहुत सारे लोग ना ये मान लेते हैं दैट दिस कंपनी कंपनीडर इट लिस्टेड इट इज़ बीन स्टार्टेड हम तो ऑपरेटिंग से ही चालू हो रहेंगे तो इसीलिए लोग ज़्यादा ऑपरेटिंग से चालू करते थे एंड इसीलिए आपको वो फैंसी फार्मूला जो भी सी ए फो डिवाइड बाई बिट द जनरलाइज स्टेटमेंट सब आता है जब भी जब सी ए कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे तो टीचर ने सिखाया था कि पहले पी एल बनाओ फिर बैलेंस शीट बनाओ फिर कैश फ्लो बनाओ आप बोल रहे हैं कि पहले कैश फ्लो कैश फ्लो बनाओ उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ उसके सर ऐसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ एनी थिंग मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना दैट इज नथिंग बट बैलेंस शीट ऑफ कोर्स राइट बिकॉज इट इज ओनली कंसिडरिंग ऑफ बैलेंस शीट का अट साइड सो यू एंटर बैलेंस शीट इज मैच विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और बैलेंस शीट का असेट है ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज है एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका बैलेंस शीट का फाइनेंसिंग असेट और लाइबिलिटीज दोनों का

देर इज अनदर वन दिस इज इजी वे बट इधर में बहुत सारा चोरी आपको निकल के आ दिखाई सो दिस इज कैश टैक्स टैक्स इनकम वो पी एंड एल एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है एक तो इनकम टैक्स एक्सपेंस एक तो पी एंड एल स्टेटमेंट से आता है तो मोटा मोटा आपको टैक्स एक्सपेंस पी एंड एल में कितना दिया उतना तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा ना आपको दिस इज लाइक यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट दिस इज वॉट यूर रिकॉर्डिंग इन बुक्स

तो हाँ, उस साल तो क्यों नहीं के वो मैनेजमेंट पे पूछो हाँ बट जनरल पूछो तो सब चीज पूछ लेंगे बट पॉइंट ये कि कैसे आ, का टिपिकल आंसर क्या होता है टिपिकल आंसर इस बार ये बोलता है दट तो मेरे पास कैश नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं पे नहीं तो उस पर डिफर टैक्स असेट्स तोड़ा था नहीं तो डिफर टैक्स लाइबिलिटीजा तो मेरे पास बेनिफिशियल थे नहीं तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो न मैं इधर फैक्ट्री रख रहा हूँ उधर से बेनिफिट आ रही है

रिफंड सर एक साल होता है ना तीन साल क्यों होता है एंड आई विल आल्सो हैव 2022 2023 इज आल्सो अगेन पॉजिटिव अच्छा हर साल रिफंड नहीं होता है तो ये कहां से है इसके पास वो मेरा भी क्वेश्चन है मैनेजमेंट तो कौन कॉल नहीं करता है बात नहीं करता है ओ तो मुझे पता नहीं है हाउ आर द इनकम टैक्स में प्लस कैसे हो सकता है तो ये तो फ्लैग टैक्स एक्सपेंस यही तो मेरे रेड फ्लैग है इससे तो दूर रहना ही है

तो वो इधर दिखना है कोई भी कंपनी ऐसे सोचो वो जाके बोलता है मैं टैक्स असेट को ही रेट ऑफ कर दूंगा राइट ऑफ कर रहे सीधा तो उसका मतलब ये कंपनी डायरेक्टली आपको बोल रहे मैं सेल्स ही नहीं कर पाऊंगा उतना उतना प्रॉफिट ही नहीं कमा पाऊंगा इसीलिए मैं टैक्स असेट को ही हटा रहा हूँ मेरा बुक से दैट इज वॉट क्या होता है डेफर टैक्स असेट ये होता है ईयर वन में आपने टैक्स पे किया हंड्रेड रुपीज़ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपके आपको आए एटी रुपीज़ बट आपने पे किया कैश गवर्नमेंट का टैक्स के अकॉर्डिंग दैट इज़ टैक्स रूल के अकॉर्डिंग हंड्रेड रुपीज़ तो आपका वो डिफरेंस है ट्वेंटी रुपीज़ ज़्यादा पे किया था आप वो डिफर टैक्स असेट है वो नेक्स्ट साल आपको न्यूट्रलाइज होना था बट वो नहीं हुआ था इस कंपनी वो ट्वेंटी रुपीज़ को क्या किया राइट ऑफ कर दिया बुक्स से असेट को राइट ऑफ कर दिया तो मतलब वो बड़ा रेड फ्लैग होता है ठीक है so that is what this formula tells you okay if that is increasing deferred tax asset divided by sales is increasing and also there is some mismatch between years you will can find a lot of red flags here okay uh, so there is another line item in uh, in uh, balance sheet that is called investments hmm. in investments may though the line item or the a quoted or the is unquoted <laughs> एक कोटेड का मतलब प्राइस मुझे मिलता है हाँ, एक अनकोटेड मतलब प्राइस नहीं मिलता हाँ, और अनकोटेड में भी दो तरीके से होता है एक है मेरा स्टार्टअप इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह एक होता है मैंने इन्वेस्ट किया हो वो एक्चुअली असेट है बट हाँ, उसका प्राइस हर टाइम नहीं मिलता है अनकोटेड हाँ, का हाँ, हाँ, तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ कंपनीज हुईटेड का एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल थोड़ा बच के रह रहे उधर आपको वैल्यूज़ पता नहीं है एक्चुअली क्या है एंड दैट इज दिस इज वॉट हैपन्ड ओके सो आपको प्रॉक्सीज यूज करने के लिए यू कैन यूज़ दिस एज वेबसाइट्स एक वन ऑफ द ग्रेट रिसोर्सेज आपको मिलता है आई एस एस प्रॉक्सी ओके ये लोग क्या करते हैं प्रॉक्सी एडवाइजर्स है फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स है uh, आप एक ग्रुप के रिलेटेड हो वो सबका ग्रुप का, का रिलेटेड एक वोटिंग करने वाले हो तो आप भी वोटर्स के बिहाफ पे मतलब एज एन इन्वेस्टर बिहाफ में दिस कंपनी विल डू द द एनालिसिस ऑफ कंपनी तो आपको इनकी वेबसाइट में बहुत सारा अच्छा कंटेंट ऑफ द कंपनी मिल जाएगा तो ये सारा कंपनीज के कंटेंट मिलेगा आपका कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल एनी बाय एनी चांस मनी लेफ्ट में दिख गया hmm. ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है hmm. उधर थोड़ा जाके पढ़ो आर्टिकल को दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आपको वॉच आउट इन्वेस्टर्स में मिल गया ये एन से चलाता है इधर मिल गया आपका कंपनी का नाम तो उधर जाके पढ़ो वो केस कुछ हुआ इसीलिए इधर सब आता है तो दिस आर द रिसोर्सेज दैट यू कैन गो एंड आपको फोरेंसिक्स समझना है फोरेंसिक्स करना दिस आर द थ्री बुक्स दैट यू कैन गो ऑन रीड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू सो वन हाउर इज इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ हाउ टू मेक मनी बाई ओनली बाइंग द बेस्ट कंपनीज ओके तो ये बुक टेरिस स्मिथ लिखा है बहुत अच्छा है दूसरा बुक है हाउ टू रीड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये बुक आपको एक चीज लाइन आइटम के बारे में बताएगा उसका नेचर उसका बिजनेस उसका प्रोसेस क्या है देयर इज अनदर बुक वनली स्कैम्स के ऊपर बनी है दैट इज फाइनेंशियल शिनिकल्स हर एक स्कैम के ऊपर उसका कहानी ये तीन बुक आपको मोटा-मोटा समझ में आ जाएगा इन्वेस्टिंग में फोरेंसिक्स कैसे चलता है दैट्स ऑल चलो गुड वाव हेवी अच्छा मैंने जब चालू किया था ना अपना शेयर बाजार का वाज एन इंट्राडे ट्रेडर तो 2000 सीए के बाद में इंटरनेट ट्रेडिंग किया तो लोग बोला कि ये पागल हो गया क्या सी तो अकाउंटिंग समझेगा तो मेरे को नहीं यहाँ ट्रेडिंग करते हैं भाव में सब कुछ होता है फिर उसके बाद 2013 में मेरे को लगा कि कुछ अलग करते हैं इंटरनेट ट्रेडिंग हो गया अब स्विंग की तरफ फोकस करते हैं। फिर फंडामेंटल में घुसे जब जब फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट किया तब तब तो पैसा लगा ठीक हंड्रेड लगा पैसा क्योंकि पता ही नहीं रहता क्या क्या करती रहती है कंपनीज़ तो मैंने बोला चुपचाप भाव में चलो वापस से देखो ये सारा बात जो है ना वो प्राइस के अंदर प्राइस के अंदर आता ही है ना और पहले आता है हाँ प्राइस प्राइस इज नथिंग बट आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल ये कोई करने वाला भी देखता होगा वो ऑलरेडी डाल देता है और मैं बेचो भी बेचो तो मैं लोअर सर्किट भी होगा चलो बेचो तो प्राइस में कैप्चर इन हो रही करेक्ट फाइनली प्राइज ऑफ वॉट हिस्ट्री करेक्ट बट आई एम वेरी ग्लैड टू सी सब वन डूइंग सो डीप एंड दिस इज ऑल्दो मेरे लिए ये एक फ्रेंकली uh, स्पीकिंग मुझे लग रहा है कि ये बहुत डीप है और uh, इतना डीप घुसने से ही बड़ा पैसा बनेगा दैट आई ऑल्सो एग्री नो आई डोंट एग्री बहुत सारे टाइम मैं भी छोड़ देता हूँ आप छोड़ देते हैं स्टॉप वो नहीं स्टॉप को नहीं थोड़ा रेशेस मैं करता भी नहीं हूँ मतलब सम टाइम्स एक रेशो से मुझे समझ में आ जाती है स्टोरी तो मैं दूसरा रेशेस करने नहीं जाता हूँ दूसरा बैलेंस शीट का हिसाब किताब करने का टाइम पे थोड़ा चीज़ें पता चल रही इंटेंशन गिव गिव आई आई दैट दैट चलिए वेस थैंक यू थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग देखिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा तो यहाँ से चार पांच बातें मैंने तो सीख ली है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू जो इन्वेस्टिंग जर्नी मैं भी करता हूँ किसी न किसी तरीके से उसमें छोटे स्टॉक्स में, में जनरली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बट आई थिंक जीज़ इंटरेस्टिंग कुछ छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मॉडल बनाना चाहिए बिकॉज तो इंडिया में आने वाले पाँच साल में छोटे स्टॉक्स तो बड़े होंगे हर छोटा चीज़ बड़ा ही बनना है और वो रूल अप्लीकेबल इंडिया को पक्का है एंड इंडिया इज गोइंग फ्रॉम थ्री ट्रिलियन टू टेन ट्रिलियन हाँ ये जर्नी पक्का हमको लेना ही है सही है थैंक यू दोस्तों मिलते हैं एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू दिस टाइम एंड एन्जॉइंग लर्निंग बाय

Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.